Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. देश के सबसे बड़े IPO यानी LIC में पैसा लगाने वाले निवेशकों को बड़ा झटका लगा है। पहले तो LIC की फ्लॉप लिस्टिंग हुई, इसके बाद भी शेयर संभलने में नहीं आ रहा है। LIC के शेयर में बिकवाली जारी है। शुक्रवार को LIC के शेयर 2% टूटकर 825 पर बंद हुए। LIC का इशू प्राइस 949 रुपए था, आज का भाव 825 रुपए पर पहुंच गया है, यानी इशू प्राइस से भाव 13% नीचे आ चुका है। शेयर की गिरावट के चलते 3 दिन में LIC में निवेशकों के 77,600 करोड़ रुपए डूब गए हैं। पॉलिसी होल्डर्स और रिटेल निवेशकों को LIC का शेयर डिस्काउंट पर मिलने के बावजूद लॉस हो रहा है। निवेशकों ने बड़ी उम्मीदों के साथ LIC के IPO पर दाव लगाया था, लेकिन अब ये कंपनी निवेशकों को निराश कर रही है। निवेशकों के मन में ये भी सवाल है कि क्या LIC भी पेटीएम की तरह निवेशकों के लिए नुकसानदेह साबित होगी। LIC के शेयर में गिरावट के पीछे 3 कारणों को माना जा रहा है। पहला, शेयर बाजार में मंदी का माहौल, दूसरा महंगाई, तीसरा ब्याज दरों में बढ़ोतरी। इन्हीं 3 कारणों के चलते LIC में गिरावट का माहौल है। इसके अलावा विदेशी निवेशक भी लगातार बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से भी बाजार पर दबाव बना हुआ है। हालांकि शुक्रवार को बाजार में थोड़ी खरीदारी जरूर देखी गई, लेकिन इसका फायदा भी LIC के शेयर को नहीं मिला। LIC पर रिटेल निवेशकों ने दाव इसके ब्रांड को देखकर लगाया था। LIC देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। देश के 60% इंश्योरेंस कारोबार पर इसका कब्जा है। दूसरा, रिटेलर्स को शेयर छूट मिल रहा था, लेकिन निवेशकों की उम्मीद पर अब पानी फिरता दिख रहा है। LIC के शेयर पर दाव लगाने वाले निवेशकों के लिए एक अच्छी बात यह है कि ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मैक्वायर ने न्यूट्रल रेटिंग के साथ LIC में 1,000 रुपये का लक्ष्य दिया है, जो इशू प्राइस से करीब 5% ऊपर है। LIC के स्टॉक पर मैक्वायर की कमेंट्री मिलीजुली है। मैक्वायरी का कहना है कि कंपनी की एम्बेडेड वैल्यू में काफ़ी ज़्यादा वॉलिटिलिटी है, जिसके चलते ब्रोकरेज का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है। इसके अलावा वैल्यूएशन में अगर बड़ा हिस्सा देखें तो इक्विटी मार्क टू मार्केट गेन्स ज़्यादा हैं, इसी वजह से LIC को न्यूट्रल रेटिंग दी गई है। वहीं ट्रेडिंगो का कहना है कि LIC इंश्योरेंस कारोबार की बड़ी प्लेयर है, इस सेक्टर में आगे अच्छी ग्रोथ की गुंजाइश है, ऐसे में लंबी अवधि में इस कंपनी को फायदा जरूर मिलेगा। लंबी अवधि में निवेशक LIC में बने रह सकते हैं, हालांकि छोटी अवधि में थोड़ा नुकसान जरूर हो सकता है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज का अनुमान है कि जैसे ही बाजार के सेंटिमेंट्स बदलेंगे, इसका फायदा LIC को जरूर मिलेगा, इसलिए निवेशकों को मीडियम टू लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। बाजार के जानकारों का भी मानना है कि LIC का शेयर लंबी अवधि में निवेशकों के लिए अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि इंश्योरेंस कारोबार में ग्रोथ की काफी गुंजाइश है, जिसका फायदा LIC को जरूर मिलेगा।